प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की है। इसके तहत आज से 3 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और बाजार बंद रहेंगे। राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवा रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। छोटा सा ही किया जाता है, आपको बीमारी से डर नहीं लग रहा है? ऑफिस जैसे आवश्यक सेवाओं की ऑफिसेज हैं, चाहे पीएचडी है, चाहे आरएसीबी है, चाहे कलेक्ट्रेट है, ये जो सचिवालय है वो जो आवश्यक सेवाओं की ऑफिसेज है उनको सुबह जाने में गए। अब दिन में आपको नहीं, बैंक्स हैं, जैसे बैंक्स भी आवश्यक सेवाओं में है तो बैंक्स के कर्मचारी भी जाते हैं, इसलिए बाकी दुकानें और वो खुला नहीं रहेगा। जो हमारा मेन ध्येय उसी का है, बाकी आदमी कोई भी इकट्ठा नहीं होता मोटरसाइकिल स्कूटर से अपने ऑफिस जा रहा है और वापस आएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के बाद में अब जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया है। जन अनुशासन पखवाड़ा 19 अप्रैल से लेके 3 मई तक रहेगा। इस जो है पखवाड़े के अंदर जो है खास तौर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है और ये कर्फ्यू की तर्ज पर ही रखा गया है। खास बात ये है कि इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएँ जिसमें कई तरह की किराना, दूध और कई तरह की जो दुकानें हैं उनको छूट दी गई है। इसके अलावा सभी प्रकार की जो है पाबंदियाँ लगाई गई है। खास तौर से इस पखवाड़े के अंदर अब पुलिस को जो है पालना करानी पड़ रही है, क्योंकि लोग आज राजधानी जयपुर में सड़कों पर ज़्यादा निकल रहे हैं। तो अब कैमरामैन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं। अभी हम जो है राजधानी जयपुर के स्पेस सिनेमा रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहाँ जो भी वाहन आ रहे हैं उनको चेक करिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यातायात की भीड़ आपको दिखाई देगी। ये कहीं ना कहीं लोगों है चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की जो है पालना कराने के लिए निर्देश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आपको जिस तरीके से आज जयपुर के अंदर आपको दिखेंगे लोग, तो लगता है कि कई लोग बिना अनुमति के भी निकल रहे हैं। पुलिस समझाइश कर रही है और चालान भी बना रही है, लेकिन लोगों को खुद को समझने की ज़रूरत है कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपको घरों में रहना होगा, बिना काम न निकले। सरकार ने जिनको अनुमति दी है या आपके कोई अतिरिक्त आवश्यक कार्य है तो ही आप घरों से निकले, अनंत आप घरों में रहें, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और कोरोना को मिटाने के लिए सरकार का साथ दें। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।